this is your friend Tech Shubham and welcome to my YouTube channel and to the series of HTML for Class 12 Information Practices. So, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, पहले जाकर के उसको देखें ताकि आप आगे वाले आने वाले लेक्चर्स को समझ सकें, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कुछ सम कॉमनली यूज्ड कंटेनर टैग्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटेनर टैग्स कौन सी टैग्स होती हैं। वो टैग्स होती हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स दोनों डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है? तो आज हम कुछ ऐसी ही टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टैग की जो मैं यहाँ बात करता हूँ, तो सबसे पहली कंटेनर टैग आती है हमारी HTML टैग, ठीक है? HTML टैग इन डॉट डॉट का मतलब होता है जो भी हमें इनके बीच में लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली HTML टैग जो होती है, इट डिफाइंस अ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है? अगर मेरे को HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना है तो मेरे को HTML टैग्स का यूज करना पड़ेगा जो कि कंटेनर टाइप की होती है। अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूं, तो सपोज मेरे को HTML लिखना है तो मैं HTML एट्रीब्यूट की अगर बात करूं तो यहां पर मैं len करके इक्वल्स टू अगर en लिखूंगा तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि जो लैंग्वेज है मेरी वो en इंग्लिश होगी, ठीक है? और इसके अलावा मैं और क्या क्या इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज नोन एज dir इज इक्वल्स टू, देखिए अगर मेरे को लेफ्ट टू राइट मेरा डॉक्यूमेंट लिखना है या राइट टू लेफ्ट डॉक्यूमेंट लिखना है तो मैं उसको dir से डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ltr भी लिख सकता हूँ और rtl भी लिख सकता हूँ। ltr मतलब राइट टू लेफ्ट एंड rtl का मतलब हो गया राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं कोई सी भी एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा HTML टैग के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? अब मेरी दूसरी टैग आने जा रही है, दैट इज कॉल्ड हेडर टैग, हेड टैग, ठीक है? इट बेसिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना है तो वो हम हेड के अंदर डालते हैं, तो इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, इन्फो अबाउट डॉक्यूमेंट। तो हेड जो हो गया वो भी आपका क्या हो गया, कंटेनर टाइप हो गया। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर टाइटल की। टाइटल जो होता है ये भी आपका कौन सा टाइप हो गया, कंटेनर टाइप हो गया, ठीक है? तो बेसिकली ये टाइटल क्या काम आता है, जो आपकी ऊपर टॉप मोस्ट ब्राउजर की जो टैब होती है उसके अंदर हमको कोई टेक्स्ट डिफाइन करना होता है तो वो हम टाइटल टैग के बीच में लिखते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो ये दो और टैग के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं बॉडी टैग के बारे में, ठीक है? बॉडी टैग जो होती है ये भी आपकी कंटेनर टाइप की होती है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे दैट विल बी एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स दैट विल बी प्रिंटेड इन आवर वेब पेज, ठीक है? तो इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं तो वो हमारे वेब पेज के अंदर सीधा सीधा दिखेगा। अगर मैं वेब पेज की इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक बीजी कलर, मेरा बैकग्राउंड कलर क्या होगा। हमेशा याद रखना कि कलर की स्पेलिंग HTML COLOR होती है, COLOUR नहीं होती है, ठीक है? तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ लिंक, थर्ड लिख सकता हूं मैं ए लिंक, फोर्थ लिख सकता हूं मैं वी लिंक, ठीक है? और मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो गए जस्ट लाइक बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, लिंक का कलर हम दे सकते हैं, जो एक्टिव लिंक्स हैं उनका हम कलर दे सकते हैं, और जो विजिटेड लिंक्स होंगी हम उनका कलर भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? तो एक बार अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो बॉडी बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है? और मैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर भी दे सकता हूँ, टेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार हैश FFFFF जो कि कोई एक पर्टिकुलर कोड होगा, ठीक है? तो उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी को बंद कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा बॉडी टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात। तो यहाँ पर बीजी लिंक और मैंने विजिटेड लिंक बताई ना, ये सब आपके जो लिंक्स जो होंगे उनको कलर करने के काम आएगी, तो आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आता है हमारा बी, यानी कि अगर मेरे को किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, यानी कि मोटा टेक्स्ट करना है उसको, तो मैं बी का इस्तेमाल करूंगा। ये किसके काम आएगा, आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आएगा। अब अगर मेरे को टेक्स्ट को आइटलाइज करना है,
मतलब टेढ़ा करना है तो मैं यहाँ पर आई का यूज करूंगा। आई भी जो है एक कंटेनर टाइप की टैग है जो आपके आइटलाइज टेक्स्ट को डिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो अंडरलाइन टैग होता है ये भी आपका कौन सा टैग होता है, कंटेनर टाइप टैग होता है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो मैं इस टैग का यूज करूंगा। अब अगर मेरे को किसी चीज को सब टेक्स्ट में लाना है, सब स्क्रिप्ट में लाना है, तो मैं सब का यूज करूंगा, ठीक है। ये होगी आपकी सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट यानी कि अगर मेरे को H2O लिखना है सपोज, ठीक है, तो मैं सिंपली H प्रिंट करूंगा और 2 को मैं किसके अंदर लिख दूंगा, मेरे सब टैग के अंदर, तो 2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक और हम लिख सकते हैं इसमें सुपर टैग, ठीक है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट के काम आती है, सुपर स्क्रिप्ट के काम आती है। सपोज मुझे X2 लिखना है तो मैं 2 को जो है अपने सुपर में टैग के अंदर लिख दूंगा SUP के अंदर, तो वो जो होगा वो पावर में चला जाएगा, as simple as that। तो ये कुछ और लिंक्स, ये हम कुछ और कंटेनर टैग्स हो गई हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अब बात आती है पैराग्राफ टैग की। पी सपोज मैंने, अपन जब भी नॉवेल्स पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे होता है फिर एक पैराग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसे लिखना है तो मैं किस टैग का यूज करूंगा, पी टैग का, यानी कि पैराग्राफ टैग का, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट को बड़ा छोटा लिखना है तो मैं H1 2 3 ऐसे टैग्स का यूज करूंगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके साइज और टेक्स्ट को डिफाइन करती हैं। तो हमारे पास H1 H2 H3 H4 H5 और H6, ये 6 टैग्स होती हैं। तो H1 जो होती है ना, ये सबसे बड़ा टैग होता है साइज के अंदर, H6 सबसे छोटा टैग होता है। तो अगर इसके एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं H1 के अंदर एक अलाइन टैग भी डाल सकता हूँ। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लेफ्ट राइट, और ऐसे मैं इसको अलाइनमेंट कर सकता हूँ मेरे फॉन्ट का। तो H1 जो होता है सबसे बड़ा होता है, H6 जो होगा सबसे छोटा होगा साइज के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ और बात हो गई। अब आता है आपका एक बहुत ही स्पेशल टैग, दैट इज नोन एज फॉन्ट टैग, ठीक है। जो फॉन्ट होता है आपका, फॉन्ट की राइटिंग जो आपकी वेब पेज की, उसको हम चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो हो सकता है आपका कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है, ऐसे ही आप इसका साइज भी दे सकते हैं, साइज इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ऐसे आप जो है इसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं हमारे फॉन्ट की, क्योंकि ये कंटेनर है इसलिए हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर मेरे को राइटिंग चेंज करनी है मेरे फॉन्ट की, तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा, फेस का। फेस एट्रीब्यूट जो होता है वो आपका राइटिंग चेंज करता है, यानी कि फॉन्ट टाइप चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से फॉन्ट यूज होता है। मैं आपको बॉडी में एक बात और बताना भूल गया, बॉडी के अंदर अपन लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन जो है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मेरे जो डॉक्यूमेंट है मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने मार्जिन से, इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी जो वैल्यू होती है लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन और जितने भी आपके मार्जिन वाले वैल्यूज होती हैं, ये हमेशा पिक्सल के अंदर होती हैं, और 72 पिक्सल जो होता है आपका वो आपके बराबर होता है 1 इंच के। हमेशा याद रखना कि 1 इंच इज इक्वल टू 72 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी कंटेनर टैग्स की बात करी, जैसे बॉडी टैग, फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग, एच टैग, ऐसे हम और भी एम्प्टी टैग्स की बात करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।